हेलो स्टूडेंट्स, मैं रावल कॉन्वेंट स्कूल से संस्कृत की अध्यापिका प्रणीता शर्मा आज आपको यानी फिफ्थ सेवन्थ क्लास को मैं सदाचार के श्लोक समझाने जा रही हूँ। आइए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, बड़ों का अभिवादन व सम्मान करते हैं तथा अपने बुजुर्गों के लिए की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चारों बढ़ते हैं। अगला श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातन। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अगला श्लोक है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम शीलम सर्वस्य भूषणम। अर्थात हाथ का आभूषण दान करना है, अर्थात दान करने से हाथ की शोभा बढ़ती है। सच बोलना गले का आभूषण है, कान का आभूषण शास्त्र सुनना है और शील होना सबका आभूषण है। अगला श्लोक है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारै पंचर्भ्युक्तो नरो भवति पूजितः। जो व्यक्ति वा अक्षर के पांच लक्षणों, पांच लक्षण कौन से हैं देखिए ऊपर श्लोक में, वा से वस्त्रेण है, वपुषा है, वाचा है, विद्या है, विनयेन है, इन्हीं के अर्थ हमने करने हैं कि जो व्यक्ति वह के पांच लक्षणों वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और नम्रता से युक्त होता है वही नरों में श्रेष्ठ और पूजनीय है। अगला श्लोक है, धन्य धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च तिक्त लज्जा सुखी भवेत। अर्थात धन संपत्ति के प्रयोग अर्थात लेन देन में और विद्या ग्रहण करने में, खान पान के व्यवहार में लज्जा त्यागने वाला ही सुखी होता है। अगला श्लोक है, न कश्चित कस्यंचिन मित्रम न कश्चित कस्यचिद रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्थता। अर्थात ना किसी का कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, व्यवहार अर्थात कार्यवश ही लोग मित्र और शत्रु बनते हैं। अगला श्लोक है, नहीं वरेण वाराणी शाम्यन्ति ह कदाचन अवरेण ही शाम्यन्ति एषः धर्म सनातनः। अर्थात शत्रुता से शत्रु को कभी भी शांत नहीं कर सकते, या शत्रुता से शत्रु कभी भी शांत नहीं होते हैं, बल्कि अवैर अर्थात मित्रता से ही शांत होते हैं, यही सनातन धर्म है। धन्यवाद।